लोगों को बताएं, मैंने अभी कहा कि यादव भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, चमार भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन भाई बहनों तुम्हें नहीं पता बरड़ चार है, चार बरड़, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैस और शूद्र, और ये जो बाकी के हैं पासी मुरो मोरिया काची चमार जाटव अहीर गडरिया जो भी है सब किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, शूद्र में। लेकिन भाई बहनों ये लोग बड़े क्यों समझ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो कथा चल रही है ये सभी की चल रही है, लेकिन भाई बहनों बस यही भेदभाव है। भले ही बाबा साहब संविधान सबको बराबर करके गए, लेकिन जातियां अभी भी नहीं मिटी हैं, और जिस दिन यहाँ से जातियां मिट जाएंगी वहां ये हमारा अपना भारत देश तरक्की की ओर चला जाएगा। क्या करें भैया, गलती भी तो नहीं है, सरकार भी तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। शिक्षा की ओर ना ले जा करके पाखंड की ओर ले जा रही है मेरी माता बहनों, ताकि ये भारत अनपढ़ का अनपढ़ ही रह जाए। मेरे भाई बहनों, बाबा साहेब जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तब जाकर के 18-18 घंटे पढ़ाई करके हमेशा, पता बाबा साहेब ने बहुत धर्म की दीक्षा क्यों ली? बाबा साहेब जी ने कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। पता है वो कौन सा धर्म में मरे थे? पता है किस किस को पता, हाथ खड़ा कीजिए, किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? एक बौद्ध ही धर्म ऐसा है जिसमें मानव मानव एक समान समझा जाता है मेरी माता बहनों। तभी तो बाबा साहेब जी ने कहा था, क्योंकि हम चले भी जाएंगे तब भी यहाँ से जातियां नहीं मिटेंगी, और क्योंकि बरड़ बने हुए हैं, लेकिन हम आप लोगों को इतना कह रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग के लिए एक बौद्ध धर्म दे रहे हैं, उसको अपनाना और आगे की ओर जाना और तरक्की की ओर जाना, अपने बच्चों को शिक्षित करना, संगठित करना, फिर संघर्ष करना। मेरे भाई बहनों इसलिए सभी लोगों को बौद्ध बनना है। और बाबा साहेब जी ने आखिरी संदेश में कहा है बड़ा प्यारा सा गीत, कि बने जाओ तुम्हें बौद्ध बाबा कह गए, बनी जाओ तुम्हें बाबा।
बाबा साहब की। तो सभी भैया बहनों को बहुत